यहाँ पे मैंने पनीर को गर्म पानी में भिगो के रखा है, एंड यहाँ पे है बॉयल्ड आलू जिसे मैंने हाफ कट कर लिया है, हम इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जो बॉयल्ड पोटैटोस है वो सब यहाँ पे ऐड कर दूँगी। पोटैटोस को मैंने थोड़ा सा हाफ एंड किसी को 2/3 ऐसे करके काट लिया है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी नमक एंड हल्दी। नमक मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर बाद में भी यूज़ करूँ तो टेस्ट इक्वली हो। एंड ये दोनों ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, जैसे हम नॉर्मली फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे। बॉयल्ड पोटैटो इसलिए ताकि ग्रेवी थिक हो, क्योंकि पोटैटो बॉयल्ड होने से पहले से ही तो वो मतलब टूट जाता है ग्रेवी में, तो इससे ग्रेवी थिक होता है। और यहाँ पे मम्मी पीस रही है मसाले, ये है जीरा और इसे मम्मी पेस्ट बना रही है ग्रेवी के लिए। यहाँ पे फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड मेरे पास कुछ पहले से ही फ्राई किए हुए ड्राई चिलीज थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए स्पाइसी होने के लिए। यू कैन लिटरली ओमिट द स्टेप। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दे दिया है सरसों तेल, एंड ये गर्म होने के बाद मैंने इसमें दिया है 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन में है मेथी दाना, कलौंजी, जीरा और सौंफ, और मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तेज पत्ता, तो मैंने यहाँ पे 3 तेज़पत्ता दिया है, एंड ये भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। और इधर मेरे पास मसाले हैं ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा पेस्ट। तो ये सारे मसाले अभी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इससे तेल ना निकल जाए। तो मैंने जो मसाला प्लेट में था उसमें थोड़ा सा पानी दे के इसे फिर से कढ़ाई में दे दिया है, और फिर से अच्छे से हम भूनेंगे, मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक इससे तेल ना निकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल निकल चुका है, तो हम अभी धीरे से इसमें पनीर ऐड करेंगे। और मेक श्योर कि पनीर टूट ना जाए, क्योंकि पनीर सॉफ्ट रहता है तो हमेशा ज़्यादा मिक्स करने से वो टूट सकता है। तो हम धीरे धीरे साइड साइड से इसे मिक्स करते रहेंगे और ये धीरे धीरे कुक होता रहेगा। तो ऐसे ही जब तक ये बनता है हम थोड़ा इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है, एंड पनीर भी पूरा पक चुका है मसाले के साथ। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और क्वांटिटी अपने हिसाब से ही मैं ऐड कर रही हूँ। एंड फिर इसे थोड़ा सा चला लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें हमारे जो फ्राइड आलूज थे वो सब ऐड कर देंगे और इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे ताकि पनीर टूट ना जाए, और आलू सिंस पहले से ही बॉयल्ड था तो ग्रेवी खुद थिक हो जाएगा। एंड फिर धीरे धीरे ये और थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची एंड दालचीनी का पेस्ट। आप चाहो तो इलायची का या दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये बन चुका है, बबल्स आ चुका है, करी भी थिक हो चुका है। तो अभी हम इसे कर देंगे सर्व, एंड ये खाने के लिए रेडी है।